की बरकत है, आप इसको रिकॉर्ड कर लें तो इंशाल्लाह ये आपको काम आएगा। उलमाए किराम के अकवाल से हमें ये बहुत खूबसूरत बात पता चलती है कि सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल हो जाती है। आप किसी मुश्किल में हैं, दुआ करना चाहते हैं, 100 बार सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद आप दुआ करें। दूसरा, सूरह बकरा की तिलावत करने से शैतान घर से भाग जाता है। सुभानअल्लाह। जिसके घर में जिन्नात हों, असरात हों, वैसे ही वो परेशान रहता हो, सूरह बकरा की तिलावत घर में किया करें, इंशाल्लाह शैतान भी भाग जाएगा। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कबर पर हर जुमे को सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हरूफ की तादाद के बराबर गुना बख्श दिए जाते हैं। जुमा के दिन कोशिश करें कि वालिदैन में से किसी एक की ये दोनों की कब्र पर जाएं, सूरह यासीन पढ़ें। सूरह दुखान बड़ी कमाल की सूरत है, 2-2.5 सफ़े कुरान पाक के हैं। सूरह दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर हो जाती है, और जो करीबुल मर्ग हो, आखिरी वक्त सकरात का आलम चल रहा हो, उसके पास सूरह जासिया पढ़कर दम करें, उसका खात्मा बिलखैर हो जाएगा। सूरह हुजरात ये पढ़ना और उसका दम करके पीना घर में खैर व बरकत के लिए मुफीद है। अच्छा, किसी के बाग हो, फलों में कमी हो, खेत वगैरह हो, तो वो भी सुन लें। सूरह कौफ पढ़ने से बाग में फलों की कसरत होती है। सूरह रहमान, सुभान अल्लाह, कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है, उरूसुल कुरान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाकया जो कोई रोजाना पढ़े उसको कभी भी फाका नहीं होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा। और सूरह अल मुज़म्मिल, सूरह मुज़म्मिल पढ़ने वाले को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कुछ लोग कुरान याद करते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हिफ्ज नहीं होता, मुश्किल होता है, चले इसका वजीफा भी ले लें। सूरह अल मुद्दसिर को पढ़कर हिफ्ज कुरान की अगर कोई दुआ मांगे तो उसका कुरान याद करना आसान हो जाता है। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशरा जिस माल पर पढ़कर दम कर दिया जाए उसमें खूब बरकत होगी। सूरह अत्तीन, अत्तीन व जैतून ये 3 बार पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतरीन होते हैं। सूरह अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है, जिनके जोड़ों में दर्द होता है वो सूरह अलक की तिलावत किया करें। अब फरमाया अल बई, सूरह बैना में बर्स और यरकान का इलाज है। सूरह जिलजाल 4/4 कुरान के बराबर है, जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह अल आदियात का दम कर दें, ये बड़ा मुफीद है। सूरह अल कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। अगर कोई मकरूज मुझे देख रहा है या यहां सुन रहा है, 300 बार सूरह तकासुर को पढ़ने से कर्ज बड़ी जल्दी अदा हो जाता है। क्या बात है मेरे रब के कलाम की। सूरह असर पढ़ा जाए, सूरह असर को पढ़ा जाए तो उससे गम दूर हो जाते हैं। सूरह कुरैश ये आप सबके लिए बड़ी जरूरी है। ये सूरह कुरैश जो है ली इलाफी कुरैश, ये बंदा पढ़े तो दुश्मन से उसकी हिफाजत हो जाए, पढ़ के घर से निकलना चाहिए। सूरह कुरैश की ये बरकत है। और इसी तरह सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है। सबसे छोटी सूरत है लेकिन पढ़ते रहा करें, जो बे औलाद है वो पढ़ते रहे, इस्लामी बहनें भी पढ़ती रहे, इंशाल्लाह अल्लाह औलाद की बेहतरीन नेमत अता फरमाएगा। और अहदीस से ये सुनने को मिला कि सूरह काफिरून 4/4 कुरान के बराबर, यानी 4 बार सूरह काफिरून पढ़ ले तो पूरे कुरान का सवाब। सूरह इखलास 3/5 कुरान के बराबर, 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले तो इंशाल्लाह पूरे कुरान का सवाब। सूरह फलक और सूरह नास जिन्नात हासिदीन और शरीरों के शर से उसकी हिफाजत होती है। मौका मिले अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, नबी पाक का भी मामूल था कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ तो हमने इजाफा किया, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करते। आप भी 3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, सूरह फलक कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास ये पढ़कर अपने हाथों पर दम करें और अपने पूरे जिस्म पर फेर लें, इंशाअल्लाह ये कुरान की सूरतें आपका हिसार कर देंगी, जिन्नात हासिदीन और शरीरों से हिफाजत हो जाएगी।